लोग 4.2 तक को कंप्लीट कर चुके हैं, पहला क्वेश्चन है, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा क्या कीजिए। अस्तित्व का बारे में समझते हैं कि अस्तित्व होता क्या है। देखिए डी जानते हैं क्या होता है, डी या विवेकतल या विवेचन, ये तीनों एक ही नाम है। इसका फॉर्मूला होता है b² - 4ac, क्या होता है b² - 4ac, ठीक है। जब d का मान जब 0 से बड़ा होता है, d का मान जब 0 से बड़ा होता है तो इस स्थिति में अस्तित्व होता है, यानी वास्तविक और भिन्न, क्या मूल, कौन चीज, मूलों का अस्तित्व को हम लोग समझ रहे हैं, मूलों का अस्तित्व। जब डी 0 से बड़ा हो तो मूलों का अस्तित्व होता है, वास्तविक का मतलब अस्तित्व होता है और क्या होता है, भिन्न, यानी अल्फा का मान अलग और बीटा का मान अलग। जब d का मान 0 के बराबर होता है, यानी 0 होता है, क्या होता है, 0 होता है तो क्या होता है, वास्तविक होता है, क्या होता है, वास्तविक और समान, क्या होता है, समान, यानी अल्फा का मान जितना होगा उतना ही बीटा का मान होगा। समझ में आया, जब d का मान 0 से छोटा होगा, जब d का मान 0 से छोटा हो, d का मान 0 से छोटा हो, d का मान जब 0 से छोटा हो तो अवास्तविक क्या होगा, अवास्तविक यानी अस्तित्व नहीं होगा इसका। जैसे में यदि देखिएगा तो d का मान आप लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट, है ना। अच्छा इसका मान लीजिएगा तो d का मान कितना हो जाएगा, 0। यस या नो, समझ में आया। जब इसमें लीजिएगा जैसे में d का मान d बराबर हो जाएगा क्या, तो -1, -2, -3 डॉट। ओके समझ में आया, एक पॉइंट, कोई दिक्कत इसमें। d का मान जब 0 से बड़ा हो, d का मान जब 0 से बड़ा हो तो वास्तविक और भिन्न होता है, ठीक है। जब d का मान 0 के बराबर हो तो वास्तविक और समान होता है, ओके। जब d का मान 0 से छोटा हो तो अवास्तविक होता है, क्या, मूलों की प्रकृति, ओके। d का मान 0 से बड़ा तो वास्तविक और भिन्न, d का मान 0 तो वास्तविक और समान, d का मान 0 से छोटा तो अवास्तविक, ओके। किसी को दिक्कत, ठीक, चलो जी।